Hey guys, welcome to my YouTube channel. So, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्लेन एंड जियोडेटिक सर्वेइंग के बारे में. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अर्थ की शेप के बारे में. ये जो शेप है इसको स्पीयर बोलते हैं. अगर इस स्पीयर को यहां से और यहां से अगर आप लोग कंप्रेस करते हैं थोड़ा सा, तो रिजल्टेंट शेप क्या बनती है, वो कुछ ऐसी बनती है. तो ये जो शेप है इसको बोलते हैं ऑब्लेट स्फेरॉइड. तो अर्थ की जो शेप है वो कुछ ऐसी ही होती है. तो अर्थ की जो शेप है वो ऑब्लेट स्फेरॉइड होती है. तो ये ऑब्लेट स्फेरॉइड जो है इसके दो एक्सिस होते हैं, पहला पोलर एक्सिस और दूसरा इक्वेटोरियल एक्सिस. जो पोलर एक्सिस जो होता है उसकी लेंथ इन टर्म्स ऑफ मीटर वो होती है 12713 मीटर्स, और इक्वेटोरियल उसकी लेंथ होती है 750 मीटर्स. तो पोलर और इक्वेटोरियल एक्सिस जो है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है 42.95 किलोमीटर्स का. तो इसमें याद करने वाली चीज क्या है, पहली जो अर्थ की जो शेप होती है वो होती है ऑब्लेट स्फेरॉइड, और इसके जो एक्सिस होते हैं उनका जो डिफरेंस होता है वो होता है 42.95 किलोमीटर्स का. तो प्लेन और जियोडेटिक सर्विंग इनमें क्या डिफरेंस होता है. प्लेन सर्विंग जो होती है उसमें एरिया जो होता है वो स्मॉल होता है. जब हम जियोडेटिक सर्वेइंग करते हैं तो वो लार्ज स्केल एरिया पे करते हैं. अब एरिया स्मॉल है तो इस केस में जो अर्थ का जो कर्वेचर है उसका इफेक्ट नेग्लिजिबल रहेगा. तो इस केस में जो कर्वेचर जो होता है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं प्लेन सर्वेइंग के केस में. लेकिन जियोडेटिक में क्या होता है, एरिया बहुत लार्ज होता है तो इसलिए तो अर्थ का जो कर्वेचर होता है वो उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता. तो इसलिए इस केस में हम कर्वेचर कंसिडर करते हैं. अब इस केस में हम लोग कर्वेचर कंसिडर कर रहे हैं तो इसका मतलब जो जियोडेटिक सर्विंग है उसकी एक्यूरेसी जो है वो ज्यादा होती है, मोर एक्यूरेट, और जो प्लेन सर्विंग है उसकी एक्यूरेसी कम होती है. अब प्लेन सर्वेइंग जो है अगर एरिया जो है 250 किलोमीटर स्क्वायर इससे कम होता है तो प्लेन सर्वेइंग परफॉर्म की जाती है. अगर एरिया जो है 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा है तो उस केस में हम लोग जियोडेटिक सर्वेइंग परफॉर्म करते हैं. अब ये देख लीजिए एक बार, ये अर्थ है और इस पे तीन पॉइंट है, ये ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी. सपोज आप ए पॉइंट पे हो तो ए से बी पे आप ट्रेवल कर रहे हो. तो जब आप ए से बी पे ट्रेवल करोगे अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो जो पाथ जो ट्रेवल किया वो कुछ इस तरह से कर्व्ड होगा. तो सेम वे बी से सी ये कर्व्ड और सी से ए ये वाला कर्व. अगर ये जो कर्व है इसको अगर आप यहां से या यहां से देखते हैं तो ये लाइन कुछ ऐसी नजर आएगी, ये ए ये बी पॉइंट, और ए और बी पॉइंट इन दोनों को अगर आप कनेक्ट करते हैं तो ये जो लाइन है इसको बोलते हैं कॉर्ड. अगर ए से बी का जो डिस्टेंस है अलोंग दिस कर्व वो 12 किलोमीटर का होता है तो उस केस में इस कर्व और ये जो कॉर्ड जो है इनके बीच का जो डिफरेंस है वो होता है 1 सेंटीमीटर का. अब ये जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ है इस ट्राइंगल को बोलते हैं स्फेरिकल ट्राइंगल. अगर ए से बी के बीच में एक कॉर्ड ड्रॉ कर दी जाए, बी से सी के बीच में दूसरी कॉर्ड और ए से सी के बीच में तीसरी कॉर्ड, तो इन कॉर्ड को जब हम लोग ज्वाइन करते हैं
तो रिजल्टेंट ट्राइंगल जो है उसको बोलते हैं प्लेन ट्राइंगल। अब ये जो प्लेन ट्राइंगल है इसका सपोज ये वाला जो एंगल है वो हो गया अल्फा, ये वाला एंगल है बीटा और ये वाला जो एंगल है वो हो गया गामा। तो स्पेरिकल ट्राइंगल का जो एंगल है वो यहां से लेके यहां तक वो हो गया अल्फा डैश, सेम वे ये हो गया बीटा डैश और ये गामा डैश। ठीक है, अगर स्पेरिकल ट्राइंगल का जो एरिया है वो 195.5 किलोमीटर स्क्वायर है तो इस केस में सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ स्पेरिकल ट्राइंगल माइनस सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ प्लेन ट्राइंगल विल बी इक्वल टू 1 सेकेंड, दैट इज अल्फा डैश प्लस बीटा डैश प्लस गामा डैश माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 1 सेकेंड। ओके, अब लास्टली जो जियोडेटिक सर्विंग जो है वो कौन परफॉर्म करता है, वो सर्वे ऑफ इंडिया परफॉर्म करती है। और जो प्लेन सर्विंग है वो कौन परफॉर्म करता है, वो रेलवेज या इरिगेशन डिपार्टमेंट या पीडब्ल्यूडी वो प्लेन सर्विंग परफॉर्म करती है। तो याद करने वाली चीज इसमें ये है कि प्लेन सर्विंग तब परफॉर्म करते हैं जब एरिया 250 किलोमीटर से कम होता है, और अगर एरिया 250 किलोमीटर से ज्यादा होता है तो जियोडेटिक होती है, जियोडेटिक सर्विंग ज्यादा एक्यूरेट होती है और लार्ज स्केल एरिया के लिए होती है। राइट, थैंक यू।